दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये क्वेश्चन आया है कि क्या होगा यदि इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाएं, या फिर यूं कहें कि क्या होता यदि इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग ही नहीं होते। दोस्तों, अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाएं तो सबसे पहली चीज जो इफेक्ट होगी वो है पॉपुलेशन। आज के समय में भारत की पॉपुलेशन है 142 करोड़ और पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 24 करोड़, और बांग्लादेश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन है 17 करोड़। यदि ये सभी भारत में मिल जाएं तो यूनाइटेड इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 183 करोड़ होगी, जो कि यूनाइटेड इंडिया को संसार का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बनाएगी। दोस्तों, वैसे भी आज के समय में हमारा इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। दूसरे इफेक्ट की बात की जाए तो वो है मिलिट्री। दोस्तों, आज के समय में चाइना की मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मिलिट्री मानी जाती है, जिसमें 21 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। और यदि हमारे इंडिया की बात की जाए तो इसमें 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और पाकिस्तान के पास 6.4 लाख एक्टिव सोल्जर्स। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो इसमें 3.25 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। दोस्तों, यदि ये सारे कंट्रीज इंडिया से अलग ना हुए होते तो आज के समय में इंडियन मिलिट्री में टोटल सोल्जर्स की संख्या 24.15 लाख से भी ज्यादा होती, यानी हमारा इंडिया दुनिया का सबसे पावरफुल देश होता। तीसरी चीज जो इफेक्ट करेगी वो होगी जीडीपी। यदि ये देश फिर से एक साथ हो जाएंगे तो यूनाइटेड इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि ये सभी कंट्रीज इंडिया में फिर से इंक्लूड हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि पार्टीशन ना हुआ होता, तो आज के टाइम में हमें सोशल मीडिया के थ्रू आपस में जो थिंकिंग का डिफरेंस देखने को मिलता है, वो चाहे गदर 2 जैसी मूवीज को लेके हो या जम्मू कश्मीर को लेके, वो नहीं मिलता। और दोस्तों, आप भी कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या होगा यदि पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिल जाएंगे। क्या आपके हिसाब से पाकिस्तान को इंडिया में मिल जाना चाहिए या नहीं? आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।